खंडवा जिले में अवैध रूप से रेत खनन कर परिवहन जिन डंपरों से हो रहा है वे अधिकांश बिना नंबर के हैं, वाहन के कागजात तक नहीं है। पुनासा क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। कलेक्टर अनय द्विवेदी को ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया है कि पुनासा क्षेत्र के बोराड़ी रेत में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव रामपाल डोंगरे और पटवारी पुष्पेंद्र परमार ने मौके पर जाकर कार्रवाई कर जेसीबी जब्त की थी। इसके बाद भी यहां से अवैध खनन नहीं रुक रहा है। गुजरात की प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार इसमें लिप्त हैं। इनके पास न तो लाइसेंस है न ही अनुमति पत्र। इससे नाराज लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। जिन डंपरों में इनका परिवहन किया जा रहा है उन पर नंबर और उनके कागजात तक नहीं है। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लफवाल की रिपोर्ट। जमीन में अवैध खनन हो रहा है जिसमें किसान दिनांक 16/11/2020 और एसडीएम पुनासा द्वारा परमिशन दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव रामपाल डोंगरे एवं पटवारी पुष्पेंद्र परमार द्वारा आकर कह दिया था कि हम लोगों ने मशीन का जुर्माना और ठेकेदार की मिली भगत से यह कि हम ग्रामवासी उक्त ठेकेदार की शिकायत करने गए तो कहने लगा कि मेरे पास शासकीय गौचर की है जमीन, उसमें पूरी पहाड़ी को वो फोड़ रहे हैं। उसमें उनको आदेश मिला था तालाब गहरीकरण का, तालाब गहरीकरण के बजाय वो पूरे पहाड़ी को तोड़ रहे हैं और उसमें से मिट्टी निकाल के ले जाएंगे तो फिर उसमें हमारे जानवर कहाँ जाएंगे चरने को। इसकी शिकायत पहले भी इसकी शिकायत हमने एक बार पहले की थी, 9 तारीख को रोका था मशीन वालों को, उनके पास कुछ आदेश नहीं था। पटवारी और तहसीलदार ने पंचनामा लिख के जब्ती कर ली थी मशीन को और रात में सुपुर्द लगा दी थी सचिव के और रात में भगा ले गए। और अभी परसों के रोज़ वो शाम में आई मशीन, तो 2 रोज से और चल रही थी। तो हम कल गए तो वो हमको आदेश बता रहे हैं कि हमारे पास आदेश है, आदेश पुराना नहीं बता रहे हैं हमको, गहरीकरण का है। गहरीकरण का है। आप क्या चाहते हैं? हम तो उसको निरस्त करवाना चाहते हैं उसको। बताओ नाम बता दो। गिरधारी यादव, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।